क्या पाकिस्तान की मदद कर रहा है अमेरिका? आखिर क्यों और किसके लिए? इस मदद से हिंदुस्तान के लिए क्या खतरे की घंटी है? आखिरकार अमेरिका क्या पाकिस्तान को मजबूत कर बहुत बड़ी गलती कर रहा है? और इस गलती से मोदी की नाराजगी क्या वो मोल लेने के लिए तैयार है? जी, ये तमाम सवाल इस वक्त गूंज रहे हैं। आखिरकार मामला है क्या और क्यों अमेरिका की मदद की चर्चा हर जगह हो रही है? चलिए अब मामले को समझ लेते हैं। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए अपना खजाना खोल दिया है और खबर है कि $45 करोड़ की मदद को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस मदद से पाकिस्तानी रक्षा क्षेत्र में अपनी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को बनाए रखने का जिक्र किया है। अब सवाल ये कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है? दरअसल पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से लड़ाकू जेट F-16 के उपकरणों और रखरखाव के लिए इतनी बड़ी मदद दिया जाना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं माना जा सकता। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इससे क्षेत्र के सैन्य संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर क्या ऐसा वाकई में होगा? दरअसल साल 2018 के बाद पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से पहली बड़ी सुरक्षा सहायता ये दी गई है। 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता रोक दी थी। ट्रंप ने साफ कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई में पाकिस्तान कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहायता रोक दो। वहीं इस पूरे मसले पर पेंटागन का अपना तर्क है। उनका कहना है कि इस सुरक्षा सहायता के जरिए पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा, जिससे अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। तो सवाल ये, क्या F-16 प्रोग्राम अमेरिका और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों के लिए जरूरी है? अमेरिका की ओर से दी गई मदद से आतंक का खात्मा होगा या फिर पाकिस्तान वाकई में आतंकवाद विरोधी खतरों से इस मदद से आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा? वैसे तो जब से अफगानिस्तान में जवहारी को अमेरिका ने ढेर किया, तब से ही अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती हुई दिखाई देने लगी थी। ऐसे में तालिबान का रुख पाकिस्तान को लेकर अब क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। मगर इतना जरूर है कि पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज आएगा, लगता तो मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।